अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। माई सेल्फ मोहम्मद नदीम, और बेटे मेरे साथ आप लोग क्यू एम सीखेंगे। ये देखिए, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कि क्यू एम आप सीखेंगे। क्यू एम मैं आपको बताता चलूँ, इसका पूरा नाम है क्वांटिटेटिव मेथड। और आपको मैंने ये वर्ड यूज़ किया है कि आप सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। ये देखें, आप मैथ पहले भी पढ़ते रहे, पढ़ने में और सीखने में फ़र्क है। देखिए, आप पढ़ लें और वही डिटो कॉपी क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, आप ऐसे सॉल्व करके मुझे दे देंगे। लेकिन सीखने का पर्पस क्या है कि मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक सिखा दी, आप उससे रिलेटेड बेटे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूं उस टाइप का, तो मेरा ख्याल है आप सॉल्व कर लेंगे। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप बेटे जब मैट्रिक में थे ना, आप सब ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, ऐसी है, और वो आपको अभी तक आता होगा मेजॉरिटी को, हालांकि आप मोस्टली मेडिकल से बैठे हुए यहाँ पे, ऐसे ही है। क्यों आता है, कभी नोट किया है? आपको उसकी टेक्निक समझ आ गई थी कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। अब आपको जोन सी मर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, आप उसको फौरन से सॉल्व कर लेते थे। क्यों? क्योंकि बेटे आपको एक टेक्निक समझ आ गई। क्वांटिटेटिव मेथड जब आपने पढ़ना है, क्यू एम पी आर सी टू आपने पढ़ना है, आपने पढ़ने के साथ इसको अच्छी तरह सीखना है। अगर बेटे आपको टेक्निक समझ आ गई ना, जो इस सारी है इसमें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई बच्चा सिर्फ इसको पेपर के लिए याद रखेगा, बल्कि आने वाला जब आपने आगे कैफ में जाना है, वहाँ जाके भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी, आप भूलेंगे नहीं। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला आज भी आपको याद होगा। तो बेटे सबसे पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ जो है वो चलेंगे। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट बेटे आप कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, QM। बेटे एक बात याद रखिएगा, इसका पेपर जो है वो आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है, और जिसमें आपके पास 50 MCQs आते हैं, और ईच MCQs जो है बेटे कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। अभी रिसेंटली जो बच्चों ने अटेम्प्ट दी है ना प्रीवियस बैचेस की, उन्होंने आके बताया कि सर अभी जो पेपर्स आ रहे हैं ना, उसमें 3 से 4 से 5 कभी वो ब्लैंक्स दे देता है, कभी एक ब्लैंक होती है, कभी एक ही सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ MCQs नहीं आएंगे, आपको ब्लैंक्स भी आ सकती हैं। और वो ब्लैंक्स कहाँ से आएंगी बेटे? जो आपको थ्योरी हम लोग पढ़ाएंगे, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपको बुक हम अपनी प्रोवाइड करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें, पास्ट पेपर का जो फीडबैक है वो कलेक्ट किया हुआ है, और उसे हमने एक बुक जो है वो बनाई हुई है। ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। अच्छा बेटे, एक और बात इसमें बड़ी गौर तलब है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में थे ना, जब तो पहला जब आपका लेक्चर होता था तो आपको पेपर पैटर्न बताया जाता था, ऐसे ही है ना? और जब पेपर पैटर्न बताया जाता था तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताई जाती थी कि भाई पहले चैप्टर में से इतने, दूसरे चैप्टर में से इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इस इतने MCQs आएंगे, और इस चैप्टर की लॉन्ग के साथ पेयरिंग होगी। क्या आप लोग यही करते रहे हैं कि नहीं? लेकिन बेटे एक बात याद रखिएगा, CA में ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेयरिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, आपने टोटल जो है QM की अगर मैं बात करूं तो बेटे आपके 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 15, और हर चैप्टर जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार ये 2 मैं छोड़ दूं तो उसके बगैर मेरी तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये बात समझे जरा। आई कैप जो है, आई कैप क्या, ये समझ आती है ना आपको? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये ऐसे ही है जैसे बेटे पहले आप लाहौर बोर्ड से, रावलपिंडी बोर्ड से, ठीक है, डिफरेंट बोर्ड्स में आप एग्जाम देते थे, इसी तरह अब आप जहां पे रजिस्टर्ड होंगे और जहां पे आपके एग्जाम होंगे वो क्या होगा? आई कैप। ठीक है, एक बैच में जहां पे पेपर हो रहा है तकरीबन कमोबेश 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे होते हैं।
और यकीन करें आप इस बात पे कि किसी एक बच्चे का भी पेपर सेम नहीं होता, किसी एक बच्चे का भी पेपर सेम नहीं होता। क्यों? सपोज कर लेते हैं आई कैप के क्वेश्चन बैंक में 2000 जो है वो क्वेश्चन पड़ा हुआ है एमसीक्यूज की फॉर्म में या ब्लैंक्स की फॉर्म में। वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो है अपना घुमाता है और कोई भी 50 एमसीक्यूज पकड़ के आपको दे देता है। हाँ, कुछ इक्का दुक्का आपका सेम जरूर हो सकता है, लेकिन कोई भी बच्चा जो है अभी तक जितने भी आए हैं उन्होंने सारे ने आके कहा सर डिफरेंट है। और एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं हुआ कि पहले में से दो तीन एमसीक्यूज आए हैं फिर दूसरे में से दो तीन आए हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको पहले 6 में से सिर्फ 10 एमसीक्यूज आए और बाकी सारे आपको स्टेट में से आ जाएं, और यह भी मुमकिन है कि 20 एमसीक्यूज 25 एमसीक्यूज आपको मैथ में से आ जाएं बाकी स्टेट में से आ जाएं। लेकिन अगर आप ये चीज कहें कि फिक्स है तो बेटे वो नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते। चैप्टर तो बहुत बड़ी बात है, हम एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए बेटे एक एक टॉपिक जो है वो आपको डिटेल्ड बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग में से वो बच्चे प्लीज हाथ खड़े कीजिए जो बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो कमो बेश इधर मेरे सामने जो मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और तकरीबन हर बैच में यही हाल होता है, 72-80% स्टूडेंट जो है वो मेडिकल का बैठा हुआ है। कोई बच्चा इधर बैठा हुआ जो FSC प्री इंजीनियरिंग से हो, सिर्फ 3, और आईकॉम से कोई रिलेटेड हो। आप लोगों ने स्टैट का पोर्शन जो है वो काफी हद तक पढ़ा होगा, ठीक है, और आप लोगों ने कुछ इक्का दुक्का चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। आप लोगों के लिए काफी चीजें बीच में आसान होंगी, लेकिन वो बच्चे चूंकि मेजॉरिटी जो ऑडियंस की है ना हमारे पास, हमने उसको भी टारगेट करना है। और नो डाउट ऐसी चीजें बीच में बेटे बहुत सारी हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं है यहां पर। और दूसरा एक और आखिरी बात, उसके बाद सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि बेटे जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, जो आई कैप की बुक ने आपको मटेरियल दिया हुआ है, उसमें से कुछ नहीं आएगा। दोबारा सुन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आई कैप ने अपनी बुक जो PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड की बुक है उसमें काफी आपको मटेरियल सीखने को मिलेगा, लेकिन बेटे उसमें से आएगा कुछ नहीं। आज अभी तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं एग्जाम में, आज तक किसी सिंगल बच्चे ने आके भी हमें नहीं कहा कि सर आई कैप की फलां चैप्टर में से फलां MCQ आया था। इसका मतलब बेटे साफ साफ आपको समझ लेना चाहिए जो पहली बात मैंने की है, आपने सीखना है। मैं आपको कोई भी चीज बताऊं, आपका पर्पज सिर्फ उसमें यह है कि नो रटलाइजेशन। समझते हो रटलाइजेशन क्या होता है? रटलाइजेशन में और लर्न करना याद करने में फर्क है। जैसे जब आप बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, ठीक है, तो उस वक्त बेटे आप एक नजम अक्सर याद करते हैं सारे बच्चे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई, है कि नहीं? आज तक मतलब नहीं आता होगा, इसको कहते हैं रट्टा लगाना। और जो कोई चीज बेटे समझ के याद करना वो रट्टालाइजेशन नहीं होती, प्रिपेयर तो करना होता है ना चीजों को, ठीक है। तो ये बातें बेटे क्लियर हो गई, आइए फिर चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आज चलेंगे। तो सॉरी, क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं बुक की, पहले QM की। बेटे इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। बेटे चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक बेटे मैथ के चैप्टर्स हैं, और चैप्टर नंबर 7 से लेके 15 तक ये सारे के सारे किसके हैं? स्टैट के, ठीक है। हम बेटे सबसे पहले ये पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि बेटे आपको मैंने पहले बताया कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आइए जरा चैप्टर नंबर 1 की तरफ बेटा जी चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज बेटे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बातें करेंगे सारी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें मैं जो चीज़ें बेटे अभी आपको बताने लगा हूँ, इसमें डेफिनेटली आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपको ये इसके ग्रेडियंट्स बता दूंगा ना, और आप खुद डिफाइन करेंगे कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इसके जितने भी लवाजमात हैं वो सारे आपके सामने रखने वाला हूँ, और आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। वो कैसे, आइए ज़रा बेटे। सबसे पहले आप लोगों ने, ये एक टर्म है जिसको आपने बार बार पढ़ा और बार बार आप यूज़ भी करते हो, वेरिएबल। क्या होता है मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई बच्चा बताना चाहिए। अच्छा मैं एक और बात बता दूँ आपसे, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछना, और डेफिनेटली मैं पूछूंगा आपसे, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उसके बेटे मेरे तीन पर्पज़ होंगे। पहला, क्या आपको वो चीज़ आती है? दूसरा, अगर आती है तो क्या सही आती है? तीसरा, कि बेटे अगर नहीं आती मैं और आप यहाँ पे क्यों हैं? बात समझ में आ गई? आपसे क्वेश्चन पूछने का हरगिज़ मेरा मतलब ये नहीं होगा कि मैं आपको डीमोरलाइज कर रहा हूँ, मैं आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करना चाह रहा हूँ, हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं होगा। समझ आ गई बात की बेटे? तो चलें फिर बताएं, वेरिएबल। अच्छा कोई भी आपने बताना हो तो प्लीज़ जस्ट रेज योर हैंड, ऐसे शोर शराबा नहीं, ठीक है जी। और आपने किसी हद तक, और क्यों बच्चा पार्टिसिपेट करना, और वेरिएबल सादा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और बेटे वेरिएबल का सबसे पहले तो मतलब समझें, वेरिएबल का वर्ड जो है ना वो वेरी से निकला हुआ, और वेरी का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है? अब वेरिएबल किसको कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। वेरिएबल हम उन अननोन क्वांटिटीज को कहते हैं, जिनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती हैं। जिनकी वैल्यूज क्या होती रहती हैं? अब इधर क्वेश्चन ये आता है कि कहां तक चेंज होती रहती हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप एक वेरिएबल के तौर पर यूज करते हो एक्स, कई जगहों पर आप लोग यूज करते हो वाई, ऐसे ही है, डिफरेंट किस्म के वेरिएबल आप यूज करते हो। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या आप इस एक्स की वैल्यूज या वाई की वैल्यूज को काउंट कर सकते हो? आपने नोट किया होगा कि इस एक्स की वैल्यूज जो है वो वेरी करती हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज, चैप्टर टू चैप्टर, बुक टू बुक, क्लास टू क्लास। क्या आप इस एक्स की वैल्यू, सिर्फ एक्स की वैल्यू बता सकते हैं? अब जरा इस बात पे आइएगा जो मैं आपको डेफिनेशन बताने लगा हूं, कि वेरिएबल बेटे आप उन अननोन क्वांटिटीज को कहते हो जिनकी वैल्यूज जो है वो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब अगला लफ्ज़ सुनिएगा, कहां तक चेंज होती रहती हैं? इन्फिनिट तक। जो चीज आप काउंट नहीं कर सकते उसको क्या कहते हो? इन्फिनिट, अनडिफाइंड। बात समझ में आ गई? और जो चीज बेटे मैंने बता देनी है ना वो मैंने पूछनी जरूर है। बात समझ में आ गई? सादा से अल्फाज में एक दफा दोबारा सुनिए, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल बेटे उन अननोन क्वांटिटीज को, अननोन क्या होता है बेटे? जो क्वेश्चन में आपने फाइंड करना होता है, फॉर एग्जांपल आपको कहता है जी प्राइस ऑफ टू डोजन एग इज 400, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन एग? तो आप लोग क्या करते हो, लेट कर लेते हो, लेट द प्राइस ऑफ वन एग इज एक्स। हालांकि फाइंड क्या करना है आपने, वन एग की प्राइस फाइंड करनी है ना, लेकिन उसकी जगह पर आप यूज कर रहे हो। तो वेरिएबल आप किनको कहते हो? उन अननोन्स को कहते हो, बोलो, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। कहां तक चेंज होती रहती हैं? अल्लाह आपका भला करे जी। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे आ जाएं, दूसरी जो टर्म है कॉन्स्टेंट,
बेटे जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि आपने डेफिनेशन खुद बतानी, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने ये ध्यान से सुना होगा, व्हाट इज अ कांस्टेंट, जो चेंज ना हो, जो फिक्स हो, ऐसे ही है। मैं इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ। कांस्टेंट बेटे ऐसे सिंबल्स को कहते हैं, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स को कहते हैं जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी न्यूमेरिक। मेरे पास तीन मार्कर हैं जी, कितने मार्कर हैं? तीन मार्कर। मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा? ऐसे ही है, मुझे तीन रजिस्टर चाहिए जी, जल्दी, एक दो और दो जी, तीन। मेरे पास ये तीन रजिस्टर हैं, मैं सिंबल कौन सा यूज करूंगा? ये वाला यूज करूंगा ना। मैं कहता हूं जनाब मेरे पास तीन, और मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं तीन मेरे पास क्रिकेट बैट है, मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा? यही यूज करूंगा ना। मैं कहता हूं तीन मेरे पास निडल्स हैं, चुभोने वाले, चुभाई कभी? बेटे सीरियस क्यों हो इतने, चुभाई कभी के नहीं? ठीक है, तो आप सिंबल बेटे कौन सा यूज करोगे? आपके पास तीन ग्लासेस हैं, कौन सा यूज करोगे? आपके पास तीन तीन मोती हैं छोटे छोटे से, कौन सा सिंबल यूज करोगे? आपके पास तीन बंगले हैं, कौन सा सिंबल यूज करोगे? आप एक चीज नोट कर रहे हो कि क्वांटिटी में चीजें चाहे बड़ी से बड़ी आ रही हैं या छोटी से छोटी आ रही हैं, सिंबल फिक्स है। बात क्लियर होगी कि नहीं बेटा जी? अब आ जाएं नेक्स्ट टर्म जो बेटे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, वो है कॉफिशेंट ऑफ द वेरिएबल। कॉफिशेंट ऑफ द वेरिएबल, बोलो भाई, बहुत आसान है, थोड़ी सी बेटे आपने तोजो करनी है तो इंशाल्लाह ये काम भी क्लियर हो जाना। मैं इधर एक सिंबल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 3x। अब कॉफिशेंट की डेफिनेशन सुनिएगा, इसके बाद आपका काम तकरीबन खत्म होने वाला है, अलजबरिक एक्सप्रेशन एंड पे आ रहा है। किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ बेटे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं? कॉफिशेंट ऑफ दी, अगेन सुने, किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, अंडर रूट में है, किसी भी फॉर्म का है, अगर बेटे वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? कॉफिशेंट ऑफ दी। मेरा पुत्र सुबह नाश्ता किया? नहीं किया तो करके आया करे यार, लग मतलब बोलो तो सही। जवान आदमी, सारे के सारे माशाल्लाह जवान आदमी बैठे हुए हैं और बैठे हैं, तुझे क्या, तू ही हाथ बांध के बैठा हुआ है। ओके, अच्छा यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके आपके लिए। फॉर एग्जांपल मैं अकेला वेरिएबल लिख देता हूं, आप जरा इसको मिसाल के तौर पे समझिएगा, बड़ा आसान है। अब इसका कॉफिशेंट क्या होगा? आसान है, आप लोगों ने कह दिया 1 है, बिल्कुल ठीक है। अगर कभी याद ना रहे, फिर छोटी सी मिसाल, जिसका बेटे इस दुनिया में कोई ना हो, हाँ जी, उसका कौन होता है? अल्लाह। कितने बेटे? एक। तो कॉफिशेंट क्या होगा? 1। ठीक हो गया बेटे जी। बेटे अगर क्वेश्चन होगा तो आपने जरूर पूछना, क्योंकि मैंने ऑनलाइन वालों के लिए वो क्वेश्चन रिपीट भी करना है। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, आप भी सीए कर रहे हैं, आपका भी अल्लाह ही वारिस है। ये जो बड़े तुम पफ बना के आए ना, अल्लाह खैर रखी, सीए करने दो तुम बेटे, एक भी बाल नहीं रहना सिर पे। अच्छा, और वैसे भी लाहौर आ गए कहाँ से वैसे? डेरा गाजी खान, डीजी खान। बेटे खाली आ गए, मैंगो के साथ आना चाहिए था आपको। भाई डीजी खान मैंगो नहीं होते? भाई मेरी बात सुनिए, आप मेरी ऑडियंस हैं उसकी नहीं। आप कहते यस सर, अगले बंदे को हमने मैंगो डाल देने थे, नहीं होते। अच्छा, जो तुम बंदे ने मनना ना आना हो तो फिर एनजी होता है कि भाई नहीं है। अब मेरे मेरे शहर से कोई बंदा बोलेगा ना कि सर वहां से स्पोर्ट्स का सामान मिलता तो मैं कभी नहीं मानूंगा। देखा, ये तो शुक्र है इसने सिर्फ सियालकोट का है, इससे पीछे वाले बैच जो थे ना तो वो पीछे बैठ के सिर्फ इतना कहते थे सर पहले 4 दिन तो मैं परेशान रहा हूं कि ये क्या चल रहा है, बाद में मुझे समझ आ गई कि अच्छा बोलना नहीं, एजेंसी बड़ी तेज है आजकल।
अच्छा बेटा ये बातें क्लियर हो गई, अब आ जाएं। आपने ना लाइक बहुत छोटे थे आप लोग तब, लाइक मतलब जो बातें आपने छोटे होते पढ़ी तो मैं क्या कहूँ, छोटे होते की ना। अच्छा एक वर्ड यूज लिखने लगा हूँ, बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं बोला बेटे? बेसिक ऑपरेशन चार है मैथमेटिक्स में, बोलो कौन कौन से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप जब सारे ग्रेडियंट्स पढ़ लेंगे, सारे इसके पार्ट्स पढ़ लेंगे, तो आप डेफिनेशन को खुद डिफाइन करने के काबिल होंगे। मैं सिर्फ एक दफ़ा बोलूँगा और आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद मैं इसकी एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, लेकिन पहले मैं आप डेफिनेशन बोल दूँ। कैसे बोलेंगे? द कनेक्शन ऑफ, द वर्ड कनेक्शन लगा लो या कंबिनेशन लगा लो, आपकी मर्जी। द कनेक्शन ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड कॉफिशेंट ऑफ द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कर्शी की बाइक किसकी निकलती है। वो कहता नहीं फाल पूछता कि मुझे चाहिए लड़के, मैं नहीं बोलूंगा वो जो आप सुनना चाह रहे हैं। ले बेटे आपके लिए दो तीन एग्जांपल्स, 4x-8x² + 5y + 60। अब जरा दोबारा एक दफा डिफाइन करता हूं, उसके बाद मैंने आपसे सुनना है बेटे। द कंबिनेशन या कनेक्शन दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? द कंबिनेशन ऑफ किस किस का वेरिएबल कॉन्स्टेंट, जस्ट सपोज दैट आई एम योर इंग्लिश टीचर, आई एम योर और मैंने आज आपको पढ़ाया नाउन। क्या पढ़ाया? Noun. आप सबको पता चल गया मैंने क्या पढ़ाया, तो जब मैं पूछूं तो आप सबने बताना है। बेटे आज मैंने क्या पढ़ाया आपको? Noun. अब देखें कुछ होते हैं मेरे जैसे बीच में ऐसे सोए हुए हैं, अब उनको पता है कि साउंड क्या है, पता है ना? ठीक है, तो सारे बच्चे बोलेंगे नाउन, तो बीच में एंड पे बोल रहे होते हैं आउन। वही हिसाब आप लोग अभी इधर भी कर रहे हो, बीच में करी जा रहे हो, ऐसे तो नहीं करना ना। चल पीछे जाते, आपका नाम क्या पुत्र? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ दानिश, दानिश बेटे आप जरा बा आवाज़ें बुलंद, ताकि लोगों को लग पता चाहे कि आज दानिश ने जरा एक्सप्लेन किया है, बताओ जरा। बहुत अच्छे, क्या बात है, आपका नाम क्या बेटे? हाँ हसन, हाँ जी हसन बेटे जरा आप भी डिफाइन करें ना प्लीज। होपफुली आप सब बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक आ जाइए। आप दो चीजों में फर्क करते हैं, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरे नंबर पे साथ हम लोग लिख लेते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। बेटे मैं दो दो एग्जांपल्स लिखता हूं दोनों की, और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर डिफाइन करते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी बेटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जरा एग्जांपल देखें, दो एग्जांपल इसकी भी जरा लिख रहे हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को। अच्छा बेटे
अभी पहले सादी एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं चेंज ज़रा, फिर आपको समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। चलो सिंपल एक्स ही लिख लेते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दोनों में फ़र्क आप सीखने लगे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में बेटे कोई ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके साथ अगर कोफिशेंट लिख देता हूँ, चले 1/2 लिख देता हूँ, इसके साथ मैं अंडर रूट 3 लिख देता हूँ। जब भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की आपने बात करनी है ना, आपके जहन में सिर्फ एक पॉइंट रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं देखना आपने, सिर्फ एक पॉइंट। और वो एक पॉइंट बेटे कौन सा है, आपने सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, एक्सपोनेंट किससे बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर से, किससे बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर का सेट बेटे क्या होता है, अगर जरा आपके सामने मैं लिख दूं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसी है ना बेटे, मुझे पता आपको काउंटिंग आती, आगे चैप्टर आएंगे मैं आपसे काउंटिंग करवाऊंगा बेटे, बेफिक्र बेफिक्र। अच्छा जी, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बेटे आप किन को बोलेंगे, जिसमें जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो बेटे किससे बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर। अब इन शॉर्ट सादे अल्फाज में अगर हम बात करें तो वेरिएबल की जो पावर है वो एक कंप्लीट डिजिट होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब कौन सी पावर इधर नहीं हो सकती बेटे, ना तो पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव हो सकती है, ना आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में हो सकती है, ना बेटे आपके पास डेसिमल में हो सकती है, और ना ही आपके पास बेटे अंडर रूट वाली पावर हो सकती है। अगर ये अंडर रूट वाली पावर आ जाए तो क्या बेटे आप उसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उसके बाद आ जाएं, अभी इसमें दोबारा कंपैरिजन करते हैं, इसके बाद आ जाएं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें बेटे कोई भी पावर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी पावर आ जाए, किस तरह बनता है ये आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, बात क्लियर होगी बेटे। अब आ जाएं इसमें, मतलब कौन सी पावर हो सकती है, चलो ये बताओ कौन कौन सी पावर हो सकती है। आपको कहना चाहिए था सर सादी सी बात है, सारी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा अब आप लोग आ जाएं कि इसकी कुछ टाइप्स हैं, इसकी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी इधर लिखना चाह रहा हूं चीज, और आपने मुझे बताना है कि क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये आप लोग बताएंगे। आइए जरा बेटे बात करते हैं अंडर रूट 3x² + 1.5/(x^-2+10)। जी जो बच्चे कहते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हाथ खड़े करें, कोई भी नहीं, आप बताएं आप किस बेस पे बेटे ये कह रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। यहां पे आप एक छोटा सा सेंटेंस नोट कीजिएगा, एवरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एवरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा ना, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, इसकी समझ आ गई। चलो फिर ये क्या हुआ, अगर आपको मैं ये कहूं कि कैटेगोरिकली बताएं, फिर पॉलिनोमियल है कैसे भला, ये देखें जरा, अगर बेटे आपके पास ये आ गया ना, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है कि पावर का साइन जो है वो क्या हो जाएगा। जब भी आपने बेटे ये डिसाइड करना है ना कि एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी उस पर जाके आपने डिसीजन लेना है, ये नहीं कि जो आपको स्टेटमेंट दे दिया उसी की बेस पर आपने डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। तो आइए बेटे कुछ एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ, फाइव इंटू एक्स इंटू टी इंटू
वाई डिवाइडिंग बाय सेवन। आपसे क्वेश्चन है बेटे एक छोटा सा, हाउ मैनी टर्म्स? एक दो तीन चार पांच, कितनी टर्म्स हुई? पांच। अब ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे बेटे मैंने लेक्चर शुरू किया था ना, तो मैंने कहा था कि हम लोग बेसिक से जाएंगे, ठीक है। आप ये पढ़ने लगे हो इधर, व्हाट इज टर्म, व्हाट इज टर्म, याद रखिएगा बेटा जी। अभी एक बच्चे ने यहाँ पे बोला था और उसने बिल्कुल ठीक बोला था, ये एक ऐसा पांच नहीं है, याद रखिएगा बेटे। टर्म हमेशा प्लस या माइनस की वजह से बनती है, कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वजह से टर्म नहीं बनती। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं 4x माइनस 1 ओवर 2, कितनी टर्म्स हैं इसमें? दो हो गई। मैं यहां पे जनाब लिख देता हूं y, कितनी हो गई? मैं यहां पे लिख देता हूं a, कितनी हो गई? डिवाइडिंग बाय 3, अब कितनी हो गई? उतनी रहेंगी, एक दो तीन चार पांच नहीं होंगी। ये आप थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये a बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे एक छोटा सा पॉइंट आपको और समझ आ गया कि टर्म हमेशा जो होगी, एक बात और बेटे, आपको किसी भी टॉपिक से पहले अगर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं ना, तो ये बात जहन में रखिएगा कि उन चीज़ों का ताल्लुक आपके अगले टॉपिक के साथ है, ठीक है। आइए ज़रा नेक्स्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितनी टर्म्स हैं बेटा जी? वन बोलते जाइएगा ना, फाइव एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 7, कितनी टर्म्स हैं? 6 एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 ओवर 2 एक्स की पावर 5, कितनी टर्म्स हैं? 3। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। बोले ना शाबाश, कितनी है? 3। एक और मैं आपके लिए लिखता हूं, उसके बाद इनके नाम, अच्छा बेटे जिसमें, अच्छा पहले तो ये बताओ कितनी टर्म्स है, कितनी है, कितनी है, कितनी है। अब ये तो आपको पहचान होगी ना कि कितनी टर्म्स हैं। अब आइए जरा बेटे, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल, क्या कहते हैं? आप जानते हो मोना का मतलब क्या होता है? सिंगल। उसके बाद बेटे जिसमें टू टर्म्स आ जाए उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल, क्या कहते हैं? और जिसमें बेटे तीन टर्म्स हो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल, क्या कहते हैं? और जिसमें बेटे फोर आ जाएं उसको टेट्रा या पेंटा आगे कहने के बजाय आप सिंपल कह दें कि पॉलिनोमियल है, क्या कह देंगे? हाँ जी बेटे, यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हम, अच्छा यहां तक बेटे आपने जो चीजें पढ़ी हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गए, आपने इनकी टाइप्स पढ़ी हैं, यहां तक बेटे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। टाइप्स किसकी पढ़ रहे हैं आप? तो ये सारी पॉलिनोमियल ही है। किधर? जब ज्यादा टर्म्स आ जाए ना, देखो स्पेसिफिक नाम रखे गए हैं, जैसे आ गया इक्वियंस की आप टाइप पढ़ोगे, सारी होंगी तो इक्वियंस, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे हम लोग उनको स्पेसिफिक नेम देते हैं। जैसे जिसमें सिंगल टर्म आ गई उसको आप मोनोमियल कहोगे, जिसमें टू आ गए, जिसमें थ्री, इनको स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, लेकिन है ही आपकी बात ठीक है कि है तो ये सारी पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा बेटे इसके बाद आ जाता है इक्वियन, क्या होती है इक्वियन? अगर बेटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें इज इक्वल टू का साइन लगा दो, आप कोई लिख दो, लाइक वो पहला लिखा हुआ है हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 10 ओवर एक्स प्लस 51, ये एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे बेटे अगर आपने इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, यानी कि इज इक्वल टू लगा दें एक्सप्रेशन के आगे,
तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? अब आगे बेटा आपने इक्वेशन की टाइप पढ़नी है, लेकिन इससे पहले आपसे ना छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है, और ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं इसका आंसर भी करेंगे। बेटा सबसे पहली बात तो ये है, आपने जो क्वेश्चन मुझे अभी आपने जिसका आंसर देना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, दोनों में क्या फ़र्क है जिसमें इज इक्वल टू का साइन आ जाता है और जिसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं आता, उस आपने ये डिफरेंशिएट किया है। और कोई बच्चा थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहे कि सर थोड़ा सा आप ये भी देखें। हाँ जी सुने बेटे, एक और डिफरेंस जो आपको मैं बताने लगा, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक और सुन लें। इक्वेशन और अलजब्रिक एक्सप्रेशन में बेटे फ़र्क ये होता है, एक्सप्रेशन इज फॉर इन्फिनिट वैल्यूज, एक्सप्रेशन फॉर इन्फिनिट वैल्यूज एंड इक्वेशन फॉर फिनिट वैल्यूज या फाइनाइट वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे बेटे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे कितने आंसर निकलते, और आपने ये अलजेब्रा का रूल भी बेटे पढ़ा होगा और सीखा भी होगा कि जितनी वेरिएबल की पावर होती है इक्वेशन में उतने आंसर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन यूज फॉर लिमिटेड वैल्यूज एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज फॉर अनलिमिटेड वैल्यूज, दोनों में फर्क याद रहेगा। ये पॉइंट लाजमी यूज नोट कीजिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर इन्फिनिट वैल्यूज एंड इक्वेशन फॉर फाइनाइट वैल्यूज। यहां तक बेटे बात क्लियर होगी, जहां तक कुछ पूछना हो। अब आ जाइए हम लोग आगे इक्वेशंस की टाइप पढ़ेंगे और उसी के मुतालिक इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद आगे डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा जी आ जाइए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्वेशन। आपने इसमें से बेशतर जो हैं वो सारी पढ़ी होंगी तकरीबन, बेटे सबसे पहले हम जिस इक्वेशन का जिक्र करेंगे वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। जी आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहे कि सर लीनियर इक्वेशन तो ये होती है, जी प्लीज, जिसमें वेरिएबल की डिग्री वन हो जाए। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे कि पावर में और डिग्री में क्या फ़र्क है, वो भी इंशाल्लाह डिफरेंस करते हैं अभी। और कोई बच्चा बताना चाहे, इसने बिल्कुल ठीक बताया, जिसमें वेरिएबल की पावर वन आ जाए, बिल्कुल ठीक है। और डेफिनेटली अभी जैसे हमने इक्वेशन की बात की है ना कि ऐसी इक्वेशन जिस, सुन ले जरा इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटे, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल की डिग्री क्या हो, वन हो। बेटे इसकी जनरल फॉर्म भला क्या पढ़ते रहे हो आप लोग, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह आप इसकी नंबर्स की फॉर्म में अगर लिख लें तो मैं लिख लेता हूँ सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अभी देखें बेटे इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, वन है ना, यानी कि इसकी डिग्री क्या हुई फिर, वन हो गई। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन, बस इसको ख़त्म करते हैं आगे चलते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल की डिग्री क्या होती है। अच्छा एक और मैं लिखता हूँ, लीनियर में भी आगे टाइप है, लाइक फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू फिफ्टी, क्या ये भी लीनियर है? हाँ जी लीनियर है ये, जरा गौर करें ना, आपने किस चीज पे तवज्जो रखनी है कि इसकी पावर क्या आ रही है दोनों की, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, वन है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट डिग्री बेटे अगर वन है, हाईएस्ट डिग्री अगर वन है तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो लीनियर है। जरूरी नहीं कि डबल हो बेटे, ट्रिपल वेरिएबल भी हो सकता है। जिन बच्चों ने FSC में मैथ पढ़ा है उन्होंने जाके वो क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड जब सॉल्व किया तो वहां पर पढ़ी होगी। हाँ जी यहाँ तक बेटे बात क्लियर होगी, इसके बाद हमारे पास आ जाती है। अच्छा एक और बात बताइए, इसके बारे में क्या ख्याल है, फोर एक्स वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो,
हाँ जी बताएं जरा, ये लीनियर है या कुछ और है? कुछ और है, इसकी पावर वन वन नहीं है। यहां पे आप एक और चीज सीखेंगे कि एक जो टर्म होती है उसकी डिग्री कैसे काउंट होती है। आप जानते हो कि जितने भी वेरिएबल होंगे बेटे उनकी पावर्स को ऐड करके डिग्री बनती है। इसकी पावर कितनी बन गई? टू बन गई। ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटे आ जाइए कि हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे जी? स्टैंडर्ड फॉर्म याद है इसकी? अच्छा जी, क्या बेटे हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें डिग्री बेटे कितनी होती है? डिग्री कितनी होती है? टू होती है। कोई बच्चा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताएगा मुझे? भाई सारे क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। और वो पीछे वाला भी याद खड़े कर जी। आपका नाम क्या है पुत्र? तैमूर। बताओ, शाबाश। एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू। क्या मतलब है भला इसका? कि बेटे अगर ए की जगह पे जीरो आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती, ये क्या बन जाती है? लीनियर बन जाती है। अच्छा, इसकी एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं जनाब। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद बेटे आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक। जैसे नाम से जाहिर हो गया होगा, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? क्यूबिक इक्वेशन बेटे हमारे पास वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर थ्री आ जाती है। बस जल्दी से इसको माइंड, फॉर एग्जांपल कोई भी लिख लेते हैं, फोर एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। हाइएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? थ्री है। तो इसको आप क्या बोलोगे? क्यूबिक बोलेंगे। आप अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहें, क्यूब उसके बाद सेकेंड स्क्वेयर लिखना चाहें, फिर कॉन्स्टेंट लिखना चाहें और इज इक्वल टू जीरो, तब भी ठीक है। ठीक है, असल चीज़ क्या है बेटे? हाईएस्ट पावर देखनी है आपने। क्या देखनी है? अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ कि डिग्री और पावर में क्या फ़र्क है। जैसे मैं इधर छोटी सी इक्वेशन लिखता हूँ, मेरे पास आगे जनाब टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब आ जाइए, आप डिग्री के बारे में सीखने लगे हैं और पावर, दोनों में क्या फ़र्क है? बेटे याद रखिएगा, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इसकी ये डिग्री होगी। अच्छा मुझे बताओ टू के बारे में क्या ख्याल है? याद रखिएगा, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसको डिग्री कहते हैं। उससे छोटी जितनी भी होती हैं उनको आप डिग्री नहीं कह सकते, उनको सिंपल आप एक्सपोनेंट कह दो, पावर कह दो, इंडेक्स कह दो। ठीक है, डिग्री कौन सी होती है? किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है। उसके बाद आ जाएं, अभी बात खत्म नहीं हुई बेटे, जो हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? लीडिंग कॉफी, यानी कि लीड कर रहा है ना ये, वहीं से लीडिंग कॉफिशेंट। जी बेटे ये बातें क्लियर होगी जो मैंने आपको दो तीन बताई हैं। दोबारा एक दफा रिपीट कर दूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। किसी भी इक्वेशन में, लिसन भाई, किसी भी, अच्छा बेटे ये आप लोग जो बीच में नोट कर रहे हो, जैसे अभी शुरू में हमने बात की, आपने सीखने की तरफ तवज्जो देनी है। जैसे ही लेक्चर मेरा कंप्लीट हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है इस बोर्ड की पिक्चर ले सकते हैं, घर बैठ के तसल्ली से आराम से लिखें आप लोग, इसके अपने नोट्स बनाएं, इनके ऊपर नई चीज़ें अगर आप लिखना चाहें वो ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि लीडिंग कोएफिशिएंट किसको कहते हैं और डिग्री किसको कहते हैं? yes. और पावर और डिग्री में क्या फ़र्क है? yes. आप बताएंगे बेटे? हाँ, अच्छा पहली बात तो ये कि जब मैं सवाल पूछूँ तो मैं भाई ऐसे नहीं करना भाई, आपसे सवाल पूछे तो आपसे पूछा होगा ना। पहली बात तो ये कि घबराना नहीं। ओके जी प्लीज। शाबाश, बेसिकली अच्छा कोई और स्टूडेंट भी तो है यार, चलें आप बताएं। शाबाश,
हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू होगी डिग्री के अंदर, हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उसको डिग्री बोलेंगे। पावर जो हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री बोलेंगे, बाकी जो पावर्स होंगे उनको पावर्स बोलेंगे। नाइस, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे और जो उससे छोटी पावर्स हैं उनको पावर्स बोलेंगे। याद रखना आप लोगों ने। ओके, मैं आपका क्वेश्चन दोबारा प्लीज एंड पे फिर नहीं कहना कि सर वैसी जी। हाँ है तो पावर ही, हम इससे इनकार कर भी नहीं, हमने बस इतना डिफाइन कर दिया कि उसको कैटेगोरिकली एक स्पेशल नाम दे दिए कि किसी भी इक्वेशन में बेटे जो हाईएस्ट पावर होगी उसको डिग्री कह देंगे, ठीक है, और उसके साथ जो कॉफिशेंट होगा उसको क्या कह देंगे, लीडिंग कॉफिशेंट। इतनी सी बात नहीं। इसके बाद एक दो टॉपिक मैंने और पढ़ाने, उसके बाद मुझे पता आप लोगों को बड़ी गर्मी लग रही है। बेटे इस चीज का नाम सुना कभी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल क्या होती है भला? बिल्कुल ठीक है, और कोई बच्चा बताना चाहे? दानिश बोलो बेटे। सिंपल और आसान से अल्फाज में बेटे इसको ये कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल एज ए पावर आ जाए, जिसमें वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट आ जाए, उसको बेटे आप लोग क्या कहते हो, एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 2^x = 8, हम इसकी इस तरह भी एग्जांपल ले सकते हैं 2^(-2)-(-x+10)=0। तो सिंपल और आसान से अल्फाज में आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एज ए पावर आ जाए, उसको बेटे आप क्या कहते हो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसके बाद बेटे आज के लिए लास्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन। तो इधर मैं साइड पे लिख रहा हूं, रेडिकल इक्वेशन। अच्छा ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट में क्या फर्क है? एक ही चीज है। बोलो शाबाश, ठीक बोला आपने। एक सही बताया आपने, ये देखो बेटे अंडर रूट का मतलब ये है, ये और स्क्वायर रूट का मतलब भी ये। अब दोनों में फर्क सीखो बेटे, जब आप अंडर रूट बोलते हो ना इसका मतलब होता है यहां पे कोई भी पावर हो सकती है, जब आप स्क्वायर रूट कहते हो तो वो स्पेसिफिकली ये चीज हो जाती है। समझ आ रही बात की? लेकिन चूंकि अंडर रूट है तो उसमें ये भी चीज भी तो आ जाती है ना, तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट बोल दोगे या क्यूब रूट बोल दोगे या फोर्थ रूट बोल दोगे तो फिर आपने कैटेगोरिकली उनको डिफाइन कर दिया। लेकिन जब आप अंडर रूट बोलोगे तो इसका मतलब है जो मर्जी आ जाए पावर, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाइए रेडिकल इक्वेशन बेटे, अगर आप के वेरिएबल जो हैं, आपके वेरिएबल जो हैं बेटे वो अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएं या स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएं, तो बेटे उसको आप लोग क्या कहते हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो किसके अंदर आ जाए बेटे, अंडर रूट के अंदर आ जाए। या आप सिंपल वे में ये भी कह सकते हो कि ऐसी इक्वेशन जिसमें मिनिमम एक अंडर रूट हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए, एन इक्वेशन विच कंटेन रेडिकल साइन। आपको पता होना चाहिए कि इसी अंडर रूट को आप एक और नाम भी देते होते थे जिसको आप कहते थे रेडिकल साइन, याद है कि नहीं? तो एन इक्वेशन विच कंटेन रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। लेकिन बेटे इसकी एक प्रॉपर्टी है,
वो कौन सी है, आइए उसके मुतालिक बात करते हैं। बेटे आप लोग जानते हैं रूट किसको कहते हैं? और जड़, अक्सर आपके दोस्त नहीं आप कहते हैं तू फसाद दी जड़ है, कहते कि नहीं, वो वाली जड़ की बात नहीं हो रही, हम किसी और जड़ की बात करने लगे। अच्छा मैं आपको रूट समझाता हूँ, बड़े आसानी से समझ लेंगे आप लोग। वैसे जड़ होती कहाँ पर? जमीन में, ऐसे ही है। सपोज कर लें कि दरख्त है, ठीक है, अब दरख्त के जो पत्ते हैं सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी जो टहनी है, ठीक है, वो आपने कोई ना कोई टेक्निक लगानी है, कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना है, और वो जो उसका रूट है सारा, वो जो तना है सारा उसका, ठीक है, वो सारा आपका प्रोसीजर है। एंड पे क्या निकालते थे? क्वेश्चन के एंड पे क्या निकालते थे? आंसर। आंसर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। आंसर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड, याद रहेगा, दोबारा सुने, आंसर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। लेकिन आप एक बात जरा ज़हन में रखिएगा, जो रेडिकल इक्वेशन होती है उसमें बेटे डायरेक्ट रूट नहीं होते, उसमें डायरेक्ट रूट नहीं होते, उसमें और तरह के रूट होते हैं जिनके लिए, जिनका नाम हम लोग लिख लेते हैं इधर। एक बेटा आपके पास होता है रूट, और दूसरे होते हैं एक्सट्रीनियस रूट। दोनों में फर्क क्या है? प्लीज बोले, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और कोई बच्चा बताना चाहिए? बेटे रूट की दूसरी डेफिनेशन ये, एक तो मैंने आपको ये बता दिया ना कि आंसर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट, ठीक है, और दूसरी रूट की डेफिनेशन ये है कि रेडिकल इक्वेशन एक वाहिद इक्वेशन है जिसमें हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने जो आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आपके जो आंसर निकले, आप दोबारा इस इक्वेशन में बेटे पुट करके देखें, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि वो रूट सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? रूट बोलोगे। और वही आंसर आप एक दूसरा आंसर हो कोई, उसको आप पुट करें, और पुट करने के बाद दोनों साइडें बराबर ना आए, उसको क्या बोलोगे? एक्सट्रीनियस रूट। क्या बोलेंगे बेटे उसको? तो दोनों में फर्क समझ आ गया? आज के लिए हमने क्या पढ़ा, जरा दो मिनट में सम अप करते हैं, उसके बाद आपका लेक्चर एंड। जी सबसे पहले बेटे हमने आगाज किया कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन? अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बाद बेटे हम लोगों ने कंपैरिजन किया अलजब्रिक एक्सप्रेशन और अलजब्रिक पॉलिनोमियल के बारे में, दो चीजों का कंपेयर हो गया। उसके बाद बेटे आप लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद आपने किसका जिक्र किया? इक्वेशन। इक्वेशन पढ़ने के बाद आपने एक छोटा सा क्वेश्चन जो है उसका आंसर किया था, बहुत अच्छा आंसर दिया आप में से एक दो स्टूडेंट ने, कि डिफरेंस क्या है अलजब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, दोनों में क्या फर्क है। उसके बाद बेटे हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ी हैं, कुछ टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ी हैं, इसमें से दो टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक, हमने इनके बारे में ज्यादा पढ़ना है, बाकी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन के लिए मैंने पढ़ाया। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन में हमने लीनियर पढ़ी, फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ी, उसके बाद क्यूबिक, फिर एक्सपोनेंशियल, और फिर आपने क्या पढ़ा? तो आज के लेक्चर के मुतालिक आप लोगों का बेटे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? इंशाल्लाह बेटे आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।